स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी किए गए दो सिक्के, एक 1 रुपए का सिक्का है तो दूसरा 50 पैसे का सिक्का है, और इन सिक्कों की कीमत हाल ही में बढ़ी है। मतलब अभी इन सिक्कों की कीमत बढ़ी है, आज से 1-2 साल पहले इन सिक्कों की कीमत ना के बराबर थी। मतलब जिस टाइम आज के टाइम पर जो वैल्यू है इनकी, इसके हिसाब से आज से 2 साल पहले इन सिक्कों की वैल्यू कुछ भी नहीं थी। मतलब जो इसकी फेस वैल्यू है वही कीमत थी, लेकिन आज इन सिक्कों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और फ्यूचर में इन सिक्कों की कीमत कहाँ जा सकती है ये तो अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये कलेक्टिबल सिक्का हो चुका है, और इन सिक्कों को आज के टाइम पर अगर कलेक्ट किया जाए तो शायद ये सिक्के हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसके बाद में 1-2 साल के बाद इन सिक्कों को कलेक्ट करना, सर्कुलेशन से कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम पर भी बहुत ही मुश्किल से ये सिक्के मिलते हैं। तो चलो जानते हैं कौन कौन से सिक्के हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों सिक्कों के बारे में बता देता हूँ। पहला सिक्का है स्वतंत्रता का 50वां वर्षगांठ, मतलब 5th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 50 पैसे का सिक्का, और दूसरा सिक्का है महाराणा प्रताप का 1 रुपए का सिक्का। दोनों ही सिक्के काफी ज्यादा रेयर सिक्के माने जाते हैं आज के टाइम पर। मैं बताऊंगा आपको कौन सा सिक्का किस मिंट से रेयर हुआ है, क्योंकि ये सिक्के अलग अलग मिंट में जारी किए गए, सभी मिंटों के सिक्के रेयर नहीं है। तो जानकारी पूरी मिलेगी इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो शायद आपको वो जानकारी समझ में नहीं आएगी जो एक रेयर सिक्के के बारे में दी जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 50 पैसे के सिक्के के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं और आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं रिपब्लिक इंडिया के 50 पैसे के इस सिक्के से। ये सिक्का आप देखेंगे रिवर्स भाग से, तो बीच में गांधी जी अपनी पूरी टीम के साथ में देखने को मिलते हैं, और उसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ है स्वतंत्रता का 50वां वर्षगांठ, और एक साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है 5th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और उसके नीचे गांधी जी का जो पोर्ट्रेट है उसके नीचे देखेंगे तो 1947 से 1997 में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। मतलब इस 50 पैसे के सिक्के को 1997 में जारी किया गया था भारत के चारों मिंटों से, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। स्टेनलेस स्टील का यह सिक्का है, और अगर आपको इसमें मिल जाता है कोलकाता मिंट का सिक्का, जिसमें आपको 1997 के नीचे देखने को मिल जाता है विदाउट मिंट मार्क, मतलब वहां पे कोई भी मिंट मार्क नहीं बना हुआ होता है, तो वो सिक्का रेयर होता है। ये जो 50 पैसे का सिक्का है, इस सिक्के की वैल्यू आज के टाइम पर आपको 300, 350, 400 रुपए तक मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके सिक्के की कंडीशन पर, 500 तक भी मिल सकती है अगर आपका सिक्का एक्स्ट्रा फाइन या फिर यूएनसी कंडीशन में होता है। तो ये कलेक्टिबल सिक्का बोल सकते हैं, फ्यूचर में इस सिक्के की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है तो वो है कि आपको मिंट मार्क का ध्यान देना है। ये आपको भारत के चारों मिंटों से जारी किए गए, इसके लिए अलग अलग मिंट के साथ में देखने को मिलेंगे, तो आपको विदाउट मिंट मार्क का सिक्का देखना है इसमें। और अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के 1 रुपए के सिक्के के बारे में। महाराणा प्रताप के 1 रुपए का ये सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस टाइम पे, ये सिक्का 2003 में जारी किया गया था। दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा, 2003 में इस सिक्के को जारी किया गया था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में। इस सिक्के को भारत के दो मिंटों से जारी किया गया था, मुंबई और हैदराबाद की मिंट से, और इस सिक्के का वेट होता है 5 ग्राम, साइज होती है 25 mm, और अगर मिंट मार्क की बात करें तो आपको यहाँ पे 2003 के नीचे एक स्टार देखने को मिल सकता है या फिर एक डायमंड देखने को मिल सकता है। तो आपको जो कलेक्ट करना है सिक्का उसके बारे में बताऊंगा आपको क्या देखना है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस सिक्के के रिवर्स भाग के बारे में। ओवर भाग सिक्कों का सेम जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन रिवर्स भाग से सिक्के की सही पहचान हो जाती है। तो यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। नीचे ईयर है और उसके नीचे मिंट मार्क है, यहाँ पे डायमंड बना हुआ है, 1540 से 1597 में लिखा हुआ है इस सिक्के पे, और सिक्के का ये ओवर भाग है, ये भी देख लीजिए एक बार। ऊपर में स्वच्छतम सत्यमेव जयते डिनोमिनेशन 1 भारत रुपया इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। ये जानकारी मैं इसके लिए दे रहा हूं कि आपको एक सही जानकारी होनी जरूरी है। अब बात करेंगे इस सिक्के की कीमत के बारे में। तो अगर आपके पास में ये स्टार मिंट मार्क का सिक्का होता है, 2003 के नीचे यहाँ पे स्टार होता है, तो वो सिक्का कॉमन होता है,
और कॉमन सिक्के की कीमत की बात करें तो वो सिक्का आपको यूएन सी कंडीशन में 50-60 रुपए में मिल जाएगा, आज के टाइम पर भी 50-60 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन डायमंड मिंट मार्क का सिक्का रेयर की कैटेगरी में चला गया है। कुछ टाइम पहले, आज से 2 साल पहले, इस सिक्के को अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए ओनली 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक लास्ट आपको चुकाने पड़ सकते थे। लेकिन अगर आज के टाइम पर इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल करना है तो 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक देने पड़ सकते हैं डायमंड मिंट मार्क का सिक्का। अगर वो सिक्का डायमंड मिंट मार्क का नहीं है, हैदराबाद मिंट का है, तो वो कॉमन होगा, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। तो आपको जो कलेक्ट करना है वो है डायमंड मिंट मार्क, यहाँ पे 2003 के नीचे डायमंड बना हुआ होना चाहिए जो आप इस सिक्के में देख रहे हैं। तो अगर आपका सिक्का यूएनसी होगा तो 1200, 1300, 1400, 1500 कितने भी मिल सकते हैं, वो एक कलेक्टिबल सिक्का होगा, यहाँ पे बोलने वाली बात ये होती है। और इसको आप अपने कलेक्शन में संभाल के रख सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम nandujat_rj23 पर इसकी फोटो भी सेंड कर सकते हैं। अगर स्टार है तो फिर मत सेंड करना, क्योंकि वो तो कॉमन सिक्का होता है और उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 सिक्के बताए, एक जो बताया वो है रिपब्लिक इंडिया का 50 पैसे का 5th ईयर इंडिपेंडेंस कॉइन, दूसरा महाराणा प्रताप का 1 रुपए का 2003 का स्टेनलेस स्टील का ये वाला सिक्का। ये डायमंड मिंट मार्क का रेयर है और वो मैंने आपको बताया कोलकाता मिंट का रेयर है, मतलब उसमें आपको मिंट मार्क नहीं देखना है, कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है तो रेयर होता है, और इसमें डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है तब ये सिक्का रेयर होता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अपना कमेंट लिख सकते हैं और इसके साथ में अगर आपके पास में कोई यूनिक सिक्का है तो #NJC लगाकर भी पूछ सकते हैं।